देवघर राजकीय श्रावणी मेले को लेकर उपायुक्त सह दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री एवं पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट द्वारा आगामी श्रावणी मेला के मद्देनजर बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक दुरुस्त इंतजाम को लेकर मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान सर्वप्रथम दुम्मा कांवरिया पथ से व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए देवपुरा बांक सरासनी दर्दमारा गेट तक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को शेष बचे कार्य को ससमय दुरुस्त करने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं की सुविधानुरूप कार्य को दुरुस्त करने का आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। बालू का ही प्रयोग पूरे रूट लाइन में करने का निर्देश दिया। संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया ताकि पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कांवरिया पथ में बनाए जाने वाले प्रशासनिक शिविर ओपी स्वास्थ्य केंद्र विद्युत व्यवस्था शौचालय स्नानागार इंद्र वर्षा के अलावा कांवरिया पथ के किनारे एवं गांव के बाहर पथों की विशेष साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने कांवरिया पथ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था शौचालयों को साफ सफाई के अलावा नलों से निकलने वाले पानी पंथों पर जहां तहां न बहे इस हेतु उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता प्रमंडल को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था के साथ साथ 24 घंटे मेला क्षेत्र में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रूट लाइन के साथ साथ संपूर्ण मेला क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पूरे कांवरिया पथ में मेटल लाइट लगाई जाए, श्रद्धालुओं को आवागमन करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। मौके पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, प्रशासक देवघर नगर निगम शैलेन्द्र कुमार लाल, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल देवघर कार्यपालक अभियंता विद्युत संचरण प्रमंडल देवघर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। आरपी भारत ब्यूरो रिपोर्ट देवघर। काम चल रही है और खासकर कांवरिया पथ में वो लेवलिंग करवाना, बालू बिछाना और इस कांवरिया पथ में बीच में जितने भी शौचालय आते हैं और पानी का इंतज़ाम जो है और स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस ओपी जो है, इन सब की अभी काम चल रही है। और क्योंकि बालू बिछाव से पहले बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं अपने केंद्र बनाते हैं, यहाँ उनकी काम चल रही है, तो वो होती यहाँ पे बालू बिछाई हो जाएगा। अभी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 8 तारीख से पहले सब कुछ हो जाए ताकि 9 तारीख को लगभग 25 लोग जो है यहाँ वॉक करेंगे, मतलब प्रशासन से। फिर उसके बाद 10 तारीख को भी हम लोग फिर से वरीय पदाधिकारीगण लोग इसको देखेंगे और 10 तारीख को ये पूरा अंतिम रूप दिया जाएगा और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और श्रद्धालु जो आ रहे हैं। और बिजली का भी हम लोगों ने देखे कि ये जो इल्लीगल जो कनेक्शन है उनको हटा दिया जाए और जितने भी बिजली का पोल है वो सबको उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बिजली मिस्त्री भी 24 आवर्स यहाँ उस सावन के दौरान रहेंगे। अभी का तो अभी तो जो लगभग 4 किलोमीटर हम लोगों ने जो निरीक्षण किया मारती यहाँ तक, तो मेन यही है कि अभी तो लेवलिंग हुआ है, बालू बिछाई काम बाद में शुरू होगा और कुछ कलवर्स जो है क्योंकि बारिश होने की बहुत संभावना रहती है तो कलवर्स को भी ठीक करने की ज़रूरत है। वो इंजीनियर्स भी सभी लोग हैं, वो लोग काम पे लगे हुए हैं और शौचालय का भी काम मरम्मतीकरण चल रही है और जो जिस फेस में काम होना चाहिए उसी फेस में हो रही है और हम लोग गति देते हैं 10 तारीख तक इसको कंप्लीट कर। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।